રાજ્યમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ રહેશે હવામાન વિભાગ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યું છે और जहाँ डे थ्री की बात है वो सिमिलर रहेगा डे टू की जैसे, और डे फोर में जो है उस थोड़ा सा एक्टिविटी गुजरात रीजन में कम होगी, दादर नगर हवेली और दमन में, नवसारी और वलसाड, और डे पाँच में भी ऐसा ही रहेगा। जहाँ तक सौराष्ट्र कच्छ का सवाल है, डे वन और डे टू में कोई ऑरेंज अलर्ट नहीं है, जबकि डे थ्री में एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें हमने भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, पोरबंदर, जूनागढ़ और राजकोट में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है डे थ्री के लिए। डे फोर में उसमें थोड़ी एक्टिविटी और बढ़ेगी, जिसमें एक्टिविटी द्वारका और जामनगर तक भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, और डे फाइव में जो है थोड़ा सा कम होके सिर्फ अमरेली में, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर और देवभूमि द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। अहमदाबाद गांधीनगर में आज की स्थितियों के अनुसार लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, साथ में थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। और कुछ दो दिन के बाद एक्टिविटी बढ़ेगी, रेनफॉल सौराष्ट्र कच्छ में बढ़ने की उम्मीद है, तीन चार पाँच में, तीन में थोड़ा सा ज्यादा है। વાત કરીએ સાબરકાંઠા અરવલ્લીમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, અનેક જિલ્લામાં કે જ્યાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, વધુ વરસાદને કારણે નવા નીરની આવક, નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ। તો પાંચ દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી। અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં આજે સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ક્યાંક ભારે વરસાદ તો ક્યાંક મધ્યમ વરસાદ પડશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં બે દિવસ બાદ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આજે સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે।